प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है और आज हम खड़े हैं सदर कोतवाली के हकीकत नगर में, जहां पर डॉक्टर अंजू सहगल का हॉस्पिटल है और वहां पर कुछ पीड़ित लोग हैं जिनकी एक बहन है जो इलाज के दौरान मृत हो गई है, उसका बच्चा था वो भी मृत हो गया। पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या हुआ? हम यहाँ लेके आए तो इन्होंने हमारे साथ 8,000 रुपए गए कि हम लड़की को बचा लेंगे। तो उसके बाद कब से एडमिट थी यहाँ भाई? कल से। अच्छा। तो हमने कहा तो कोई नहीं, हम पैसे जमा करवा देंगे। इन्होंने हमारे साथ पैसे जमा करवाए 15,000 ठीक, 10,000 पहले करवाए, 5,000 बाद में। तो इस भाई को मैंने बुलाया, मैं तो पहली बार आया अस्पताल में, तो इस भाई ने डॉक्टर को बुलाया कि खून कान और चाहिए, हम 3 बोतल ले आए और चाहिए हो तो बता दो। तो अगला आदमी बस सीधा आया और ऐसे चला गया। हम पीछे जाते रहे, आवाजें मारते रहे, गेट बंद करा अंदर, तो उन्हें मारते कोई बात नहीं। और अब जो कहते हैं कि भाई जी और कहीं ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे तो बस पैसे कह रहे, पैसे जमा करो। कितने पैसे और जमा करने के लिए? 60,000 रुपए कह रहे थे जमा करने के लिए। और जो बच्चा है वो भी इन्होंने एक को बचा देते, तो पैसे दे देता है ना, हमारा एक सारी बहन नहीं बचा देते मेरा भाई को, अगर कुछ होगा मैं तो इनके मैं क्या करूँगा। तुमसे कल मैं ये आया था यहाँ से, तो डॉक्टर मिला मुझे, डॉक्टर से मैंने पूछा मैंने क्या हुआ, डॉक्टर मुंह नहीं दे रहा और सीधा ऐसे ऐसे हाथ हिलाता हुआ चला गया। था क्या नाम? डॉक्टर यही था जो मतलब मेन डॉक्टर है, मुझे नाम तो नहीं पता, मगर डॉक्टर जो था यही था। उसे पूछा फिर इनसे बात हुई, तो कह रहे कभी 10,000 जमा कर दो, 5,000 जमा कर दो, और कोई बात ही नहीं हो रही, कोई भी स्टाफ सीधे मुँह बात नहीं करना चाह रहा, कुछ नहीं करना चाह रहा। जब पैसे के लिए वहाँ पेशेंट अकेली बैठी हुई थी, वहाँ उसका कोई ध्यान नहीं रख रहा, कोई क्या हो रहा, उसका क्या साथ लेने को दिक्कत है, कुछ नहीं। और जब पूछा तो कोई जवाब नहीं, कोई बस ये काउंटर पे वो खड़ा हुआ रसीद काट रहा अपने पैसे लेने थे, मतलब अंदर से पैसे जमा कर लो बस, ये है आया 10,000 जमा कर दो, 5,000 जमा कर दो, बस ये हो रहा, बस और कुछ हुआ ही नहीं। जब आपको पता चला कि महिला और बच्चा दोनों एक्सपायर हो गए, उसके बाद भी पैसे की डिमांड की गई या उससे पहले पैसे मांगे गए? दवाई ले रहे, जितनी पैसा दे रहे, 15,000 जमा करवाए पहले, वो भी करे हमने, और दवाई रोज जो कह रहे लिख लिख वही ला रहे, कहीं बोतल खूनती, कहीं फिर चीज दे रहे, हम जो समय समय कह रहे दवाई सब दे रहे, पैसा बर्बाद कर रहे हम लगा रहे। इस बार के बाद नहीं दिए दवाई तो दिए, सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित सहगल नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान जच्चा व बच्चे की मौत हो गई। मौके पर मौजूद परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। जानकारी के मुताबिक गौरी सैनी पत्नी रजत सैनी, जो कि थाना देववंद क्षेत्र के तलहेड़ी के गांव अमोली की निवासी थी, जिसको प्रसव के लिए थाना सदर बाजार के क्षेत्र हकीकत नगर में स्थित सहगल नर्सिंग होम में शनिवार को एडमिट किया गया था, जहां पर प्रसव के दौरान बच्चे की लगभग 11 बजे मौत हो गई। वहीं अगले दिन रविवार को गौरी सैनी की दोपहर 1 बजे डॉक्टर की बड़ी लापरवाही के कारण मौत हो गई। परिजनों को बार बार पैसे लाने की बात की गई। वहीं जब मामले की खबर पत्रकारों को लगी तो मौके पर कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकारों के साथ सहगल नर्सिंग होम के स्टाफ ने अभद्र व्यवहार किया। वहीं मोहल्ला वासियों का कहना है कि हॉस्पिटल में इस तरह की वारदात प्रतिदिन होती रहती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ितों से मिल पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं जब पत्रकार ने डॉक्टर अंजू सहगल से उनका वजन लेना चाहा तो पत्रकार से बात करने के लिए मना कर दिया गया और स्टाफ से कहा गया कि बाहर का मेन गेट बंद कर दिया जाए। अब देखना होगा कि पीड़ितों को इंसाफ मिल सकेगा या नहीं। पूछो क्या कह रहे हो? हमारे हाथ नहीं चढ़ते, दरवाजा लगा रखा होगा तो बाहर काट दे।
दस बार लिख के दे चुके हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस आती है चली जाती है। नहीं वो गोरी सैनी तो है हनुमान नगर नागर बीमारी कुछ नहीं थी, वो बच्चा होने वाला था, यहाँ एडमिट करा था। हाँ एडमिट करा था, कल गए थे। आज ही आ रहे हैं, मुकदमा लिखवा जेल लिखवा अरे बेल्ट से मारा भी ना 3-4 दिन पहले। किसने मारा बेल्ट से? इन्होंने स्टाफ ने, गार्ड ने मारा, गार्ड ने बेल्ट ने। और किसको? पेशेंट को। खाने की तमीज नहीं, दिलबाग मुंह में रहेगा उसके, और धक्का दे रहा है। क्या नाम है उसका? सिक्योरिटी नाम तो नाम नहीं पता, सिक्योरिटी का ब्लू ड्रेस पहन के वही आएगा, एक पार्टी का लगे। एफआईआर दर्ज करो, नहीं जेल जेल आएंगे, जेल भी हो। यहाँ यहाँ प्रोग्राम हमें मुकदमा करना है इसमें, इस मामले में मुकदमा अध्यक्ष यानी कि सर आज तो हमारी बहन चली गई है, चलो हम मानते हैं हमारी बहन चली गई है, अब बहन वापसी तो आने से नहीं सकती, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जा रहे हम आपके पास रिपोर्ट दर्ज जरूर करेंगे आपके पास। अभी तो हमें वहाँ जाना है सर, डॉक्टर केयर नहीं करते सर, हमें धक्के दे दे के बाहर निकलना गया है। अब से 5-4 दिन पहले ये यहाँ के यहीं के रहने वाले सर बता रहे हैं कि बेल्ट से मारा है विकास जो भी यहाँ के जाते हैं वो सोमनाथ।
90 something.